हेलो सो आज हम पढ़ेंगे शिफ्ट इन द डिमांड कर्व इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस ऑन डिमांड कर्व। अगर आप लोग डिमांड कर्व का टॉपिक कर रहे हैं तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये इसको समझ लें, एक छोटा सा हैक है जो कि आपको आगे काफी मदद देगा। इसमें बेसिकली ये है कि अगर आपके पास एक डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व कैसे बनता है, प्राइस क्वांटिटी एंड ये आपका डिमांड कर्व या जीरो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों? क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप है। ये क्वेश्चंस आ जाता है काफी टाइम के, व्हाई इज द डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो आप उसमें सिर्फ ये लिखिएगा कि इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो आपका ये डिमांड कर्व बन गया। आप इमेजिन करें यहाँ पे आपके पास है 50 रुपीज और 50 रुपीज पे आपकी डिमांड है कुछ 600। सही है, 50 प्राइस पे आपसे क्वांटिटी डिमांड की जाती है 600। अगर अब यहाँ पे प्राइस में चेंज आ जाता है, फॉर एग्जांपल आपकी प्राइस हो गई 60, तो आपकी जो मूवमेंट होगी वो कर्व के साथ ही होगी। आप यहाँ पे ले आएंगे विच इज 500, तो ये आपका शिफ्ट हो गया। प्राइस में शिफ्ट आई तो आपने जो मूवमेंट की डिमांड कर्व जो बना हुआ था उसी में आप आगे पीछे हो गए। सो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मगर मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिमांड पे बाकी चीजों का भी इम्पैक्ट होता है, सिर्फ प्राइस का नहीं होता। तो जो वो अदर फैक्टर्स हैं जो कि मैंने एक और वीडियो में बताए भी हैं कौन कौन से हैं, उनमें अगर चेंज आता है तो आप अपना डिमांड कर्व ही शिफ्ट कर देते हैं। अगर आपकी डिमांड बढ़ रही है तो आप इसको राइट साइड पे ले जाएंगे, अगर आपकी डिमांड कम हो रही है तो आप उसको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। तो इसमें जो सबसे मेन बात है वो यही है कि अगर आपकी प्राइस बढ़ती है तो आपका जो मूवमेंट है वो कर्व के साथ ही होती है, लेकिन प्राइस के अलावा किसी भी फैक्टर में चेंज आता है तो आपका डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जाता है। तो प्राइस मूवमेंट अलोंग द कर्व, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चले गए। अदर फैक्टर्स, डिमांड कर्व को आप शिफ्ट कर देते हैं आगे पीछे। तो यही चीज थी कि अगर आपकी प्राइस चेंज होती है तो आपका जो कर्व है उसी के अंदर आपकी मूवमेंट होती है और आपके पास आपकी डिमांड आ जाती है। लेकिन अगर प्राइस के अलावा कोई भी अदर फैक्टर, दूसरा फैक्टर, कोई भी दूसरी चीज जिसका इम्पैक्ट होता है डिमांड कर्व पे, तो आपका डिमांड कर्व खुद ही शिफ्ट हो जाता है। आप उसको इस साइड कर लेते हैं, राइट हैंड साइड अगर आपकी डिमांड बढ़ रही है, और लेफ्ट हैंड साइड करते हैं अगर आपकी डिमांड कम हो रही है। तो यही था आपका इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस ऑन डिमांड कर्व। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो कॉमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब एंड बाय।